हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस। अमीबा जो कि एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो आपके पास ऑप्शन है बाइनरी फिशन, बडिंग, मल्टीपल फिशन, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बाइनरी फिशन। अब जो बाइनरी फिशन होता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास पेरेंट सेल होता है जो कि फुली मैच्योर ग्रोन सेल है, और वो डिवाइड करता है अपने टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब टूटना। तो इससे आपको समझ आ गया होगा। लेट मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। कौन से पिगमेंट की वजह से हमारे यूरिन का कलर येलो होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं मेलानिन, यूरोक्रोम, कैरेटिन, कलोराइट। द करेक्ट आंसर इज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट होता है जो इम्पार्ट करता है येलो कलर हमारे यूरिन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिजीज विच इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? बेरीबेरी, गॉइटर, रिकेट्स एंड एड्स। द करेक्ट आंसर इज गॉइटर। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो इनलार्ज्ड हो जाते हैं, और वो उसको हम गॉइटर का नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन। आपको पता है कि हर किसी का स्किन कलर डिफरेंट होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का डार्क होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है इसमें पूछा है। ऑप्शंस हमारे पास है कैरेटिन, यूरोक्रोम, मेलानिन एंड क्लोराइट। द करेक्ट आंसर इज मेलानिन। अब जो मेलानिन होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है मेलानोसाइट। ठीक है, मेलानोसाइट एक टाइप की सेल्स हैं जो मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। अब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अब जो ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनीज के ऊपर। ठीक है, और किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स? वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक और नाम होता है जो कि होता है डकलेट ग्लैंड। डकलेट ग्लैंड का मतलब है कि जो अपने सीक्रेशंस हैं, जो भी अपना हॉर्मोन्स, जो भी इनका प्रोडक्ट होता है, वो डायरेक्टली अपने ब्लड में सीक्रेट कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। हमारे पास ऑप्शन है बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी एंड ओडोंटोलॉजी। हेयर द करेक्ट आंसर इज ओडोंटोलॉजी। इसमें हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। बट हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, बायोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, इकोलॉजी है, ये भी तो एक टाइप की ब्रांच है साइंस की जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और जो हमारी टैक्सोनॉमी है इसमें हम पढ़ते हैं नेमिंग से रिलेटेड चीज़ें, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। और जो इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारा एनवायरनमेंट है, इसके बीच में जो भी रिलेशनशिप है हम उसको इकोलॉजी में पढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड बाय। अब जो हमें पता है कि जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब जो DNA क्या है, एक
डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसमें जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं। अब जो ये पेयरिंग होती है वो उसमें वो किस बॉन्ड की वजह से होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड एंड फॉस्फोरस बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अब ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का होता है वो होता है लीवर, ठीक है। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लीवर है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का, और ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड, अब मिक्स ग्लैंड का क्या मतलब है? मिक्स ग्लैंड का ये मतलब है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। ऑलराइट, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। अब जो आरबीसी होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? वो होती है हमारी 120 डेज। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अ पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल विच मेक्स कलर ऑफ आर ब्लड रेड। ऑप्शन हमारे पास है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, फिब्रिन एंड फिब्रिनोजन। अब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसका कलर रेड होता है, वी ऑल नो दिस, ठीक है। तो अब वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारी बॉडी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल वो कौन से कलर के हो जाएंगे? रेड कलर के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरह के आपको और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है तो आप हमारे आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल प्ले से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर टेस्ट के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और डेली टेस्ट भी वहाँ पे मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।